चलो हाय दोस्तों, आज हम करेंगे ओप्पो के मोबाइल में पावर आईसी किस तरीके से निकाली जाए और किस तरीके से लगाई जाए। बिल्कुल एक ब्लैक पेस्टेड फोन है ये, ठीक है। और आप तो सभी जानते हैं कि ओप्पो का मोबाइल में जो पेस्ट होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। तो हम इसकी सील भी उतारेंगे सही तरीके से, हम इसका पावर भी उतारेंगे, वापस लगाएंगे। फिलहाल हम कंडीशन देख लें और पूरी डिटेलिंग आपको जो अभी तक YouTube में हिस्ट्री में किसी ने नहीं दी हो वो आपको मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ। तो सबसे पहले हम चार्जर लगा के देखते हैं कि हमारे फ़ोन की क्या पोजीशन है, क्योंकि हमें फ़ोन को सेम पोजीशन पे लाना है, ठीक है। तो हम डिस्प्ले लगा लेते हैं एक बार फ़ोन का। तो फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो पीछे रहता है ओप्पो A37 के अंदर, देखिए लग गया है। अब हम इसके अंदर बैटरी लगाएंगे और हम इसकी कंडीशन देखेंगे। तो देखिए फ़ोन पे आप चार्जिंग का सिंबल देख रहे हैं और थोड़ा वेट करेंगे और नॉर्मल चार्जिंग का सिंबल देखेंगे। सो आप देख सकते हैं कि फ़ोन पे नॉर्मल चार्जिंग का सिंबल आपको मिल रहा है, इसका मतलब हमारा फ़ोन बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे है। सो अब हमें इसकी पावर निकालना है, इसकी सील निकालना है और हमें वापस हमारे फ़ोन को सेम कंडीशन पे लाना है, ठीक है। हमने फ़ोन को स्क्रू पहले से ही खोल के रखे थे और आने वाले वीडियो में आप इसका CPU भी हम उतारते हुए आपको दिखाएंगे, इसी फ़ोन का हम आपको MMC भी उतारते हुए दिखाएंगे। अब थोड़ी फ़ोन की डिटेलिंग दी जाए तो फ़ोन की डिटेलिंग में आपको ये वाला जो एरिया है ये आपका पूरे नेटवर्क का है, ये आपका पावर और यहाँ पे आपका सब सेक्शंस है। इस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो इस एरिया में आपका CPU MMC है, यहाँ आपके चार्जिंग सेक्शन है और प्रोडक्शन सेक्शन है और ये आपके सिम कार्ड है, ठीक है। जो टूल हम यूज़ करने वाले हैं उसमें हम यूज़ करने वाले हैं सबसे पहले हम साइड ब्रश, ठीक है, जिसमें एक स्टील का और एक नॉर्मल हार्ड ब्रश है। हम यूज़ करने वाले हैं स्क्रैपर, क्योंकि हम ब्लैक पेस्टेड हैं और ये बहुत हार्ड होता है तो यहाँ पे हमें स्क्रैपर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं अपने मेरे जो जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में देखा होगा 4 नंबर का ब्लेड, जिसमें मैं PPD यूज़ करूँगा और इस PPD को अब यूज़ करना है नहीं करना है ये हम देखेंगे। हम नई PPD का जैसे मैंने बोला यूज़ करते हैं हमेशा। फिर हम यूज़ करने वाले हैं पावर आईसी रिबॉल करने के लिए यूनिवर्सल स्टेंसिल का यूज़, और पेस्ट के लिए हम नॉर्मल हमारा जो इंजेक्शन है मैकेनिक का हमारा पेस्ट फ्लक्स, हमारी बैंड ट्विजर, तो हम इन सब का इस में यूज़ करने वाले हैं। और इसके बाद फिर हम यूज़ करने वाले हैं हमारे PCB होल्डर फाइंड एक्स, और ये हमारे लिए काम में आएगी पावर आईसी को क्लीन करने के लिए भी। और इसमें हम एक और चीज़ का यूज़ करेंगे वो है ईगल ब्लेड। सो ईगल ब्लेड काम में आती है रिबॉलिंग के। तो सबसे पहले पावर की ऊपर की शील्ड को निकालना जरूरी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पावर की शील्ड को निकालेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैं पहले फोन को सही तरीके से इसमें फिट कर दूं, और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही है कि हमें सील्ड में किस तरीके से फोन लगाना चाहिए। जो हमारा सिंगल मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर जो हमारा सिंगल वाला पिन है जो जिससे हम फंसाएंगे उसमें हम उसको मैं कैमरा साइड, और जो डबल है उसको हमें नीचे डिस्प्ले साइड में फंसाना है, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। और अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको PCB फंसाने का, होल्ड करने का। अब तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सील्ड की बात करें तो सील्ड को हम निकालने के लिए एक और चीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पर PPD 138।
तो पहले मैं कैमरे को क्लीन कर देता हूँ। तो ये जो हमारी ऊपर की शील्ड है, हम पहले इसको निकाल देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल बेसिक और प्राइमरी बच्चों के लिए है, ये जो आपको पैड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस पैड को थर्मल पैड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी पावर आईसी है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। अब हमें शील्ड को उतारना है, और यही है कि हमारी सील सही तरीके से उतरे। जो भी हम SMD का टेम्परेचर यूज करेंगे, वो हम आपको इस समय फोटो पे लगा देंगे, ताकि आप इजीली तरीके से SMD का टेम्परेचर फोटो के हिसाब से लगा पाए। हमें करना ये है, जहां जहां हमें हीट देना है कॉर्नर पे, वहां हमें थोड़ा सा PPD लगाना है, जिस तरह का आप देख रहेंगे। ठीक है, कोशिश करना वहां मत लगाना जहां पे आपका किसी तरह के कॉम्पिटेंस हो। तो आप देख सकते हैं मैंने PPD, ठीक है, तो इतना PPD है, काफी है। और हमें एक उठाने के लिए आप ब्लेड का यूज कर सकते हैं। मैं आप देख सकते हैं इस तरह की ब्लेड का यूज कर रहा हूं। बस आपको PPD को इस तरीके से हीट देना है। जो जो PPD होगी, वो अपनी जो केन है, उसके जो शोल्डर है, उसको थोड़ा सा कमजोर करेगी, मतलब मेल्ट करेगी, और हम फिर इसके बाद इजीली तरीके से उसको उठा पाएंगे। तो हम पहले एक साइड से हीट दे दें। बस कोशिश यही करना है कि आपको ज्यादा हीट पे मत रखिएगा, जो मैंने आपको बताया वो ही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, जहां से भी उठती है, जहां से भी लगे आपको कि आपका ये पीसी, आपका ये केन उठ रहा है, आपको वहां से ट्राई करना है। और जहां आपको थोड़े कॉम्पोनेंट कम दिखाई दे रहे हैं, वहां आपको देखिए, यहां से मेरी PCB उठ रही है, यहाँ केन उठ रहा है, सॉरी, ये देखिए। बस हल्का सा पुश देना है, अब सारा केन हमारी SMD का है, ये देखिए। अब जिधर से आपके PCB आपको उठाना है, उधर से आपको हीट देना चालू करना पड़ेगा। तो आप नोटिस कर सकते हैं, लगभग आधी PCB हमारी उठ चुकी है। केन मैं बार बार PCB का यूज कर रहा हूँ। आई थिंक मेरी जो शील्ड है, चलिए
तो हमने अपनी शील्ड को परफेक्ट तरीके से बाहर कर लिया है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं, अब रही बात ये जो पीपीडी की, तो हम इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए हम थिनर का यूज करेंगे और ब्रश का यूज करेंगे। पीपीडी अगर हल्की सी आपके कुछ कंप्लेंट में लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको क्लीन कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने कहीं कभी पीसीबी का पैड उखड़ने नहीं दिया है। कुछ ऐसी ट्रेनिंग हम अपने क्लास में देते हैं बच्चों को, जिसमें हम उनके हाथों से, अपने हाथों से उन उनसे प्रैक्टिकल करवाते हैं। खैर, मेरा प्रयास ये है कि आप इस वीडियो को देख के सीख जाएं, नहीं तो हम आपके लिए तो क्लास में बैठे ही हैं। सो आप देख सकते हैं कि मेरा जो आईसी है, ये पूरा की पूरा एक ब्लैक पेस्टेड आईसी है, 8916। अब हम अपने दूसरे चरण में हैं, हम अपने ब्लैक पेस्टेड जो आईसी है उसके साइड व्यू को कट करेंगे। जो एयर और जो हीट है उसका फोटो मैं लगा दूंगा। आपको ध्यान देना है कि आपके कंपोनेंट निकले नहीं, और आपको आपका जो आयरन है उसको घुमाते हुए रहना है। और आपको बहुत ज्यादा उसको कट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कट नहीं करेंगे तो आईसी निकलते समय आसपास के जो भी कंपोनेंट है जो उसके जुड़े हुए हैं उसके साथ वो पूरी की पूरी बाहर निकल जाएगी। हम इसकी नई नई सीरीज लाते रहेंगे ताकि आपको नया नया नॉलेज मिलता रहे। पर अब हमें वीडियो जो बनाने हैं वो हमारे उन भाइयों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से काम सीख रहे हैं। हमने अपना बहुत सारा काम उन भाइयों के लिए अब तक किया है, एडवांस सर्किट देखने के जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट अभी हम वीडियो जो लाएंगे वो उन भाइयों के लिए है जो अब हार्डवेयर में आना चाहते हैं और अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं। अब हमें आईसी को निकालना है। आईसी को निकालते समय हमें उसके चारों तरफ हमें देखना होता है कि हमें किस, क्योंकि इसको हम ट्विजर से पकड़ के तो निकाल नहीं सकते क्योंकि नीचे पूरा ब्लैक पेस्ट है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा ट्विजर हमें किधर से डालना है, क्योंकि अगर आपके पास में आईसी के ट्विजर पे कहीं पे भी जगह नहीं है तो आप हमेशा वही एरिया को चूज करें जहां आपके कैपेसिटर्स लगे हैं या कॉइल, क्योंकि कैपेसिटर कॉइल्स अगर निकलते हैं या हिलते हैं तो उनको वापस बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, बट रजिस्टर अगर हिले तो वो उड़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि पहले अपने आईसी के पास रजिस्टर की वैल्यू निकाल लें,
उसके फोटो खींच लें ताकि आपके पास एक डाटा भी हो। अब हम इस आईसी को इधर से थोड़ा सा, यहां से थोड़ा सा पुश करके भार करेंगे। तो आईसी को कितना हीट देना है, सबसे बड़ी बात मेन ये होती है, क्योंकि ब्लैक पेस्टेड में ज्यादातर अक्सर लोग काम करते समय बोर्ड को फुला देते हैं, बोर्ड को टेम्पर कर देते हैं या पूरे पैड या कुछ एक दो पैड भी निकाल देते हैं। एक दो पैड निकलना स्वाभाविक होता है, हम उसको बना सकते हैं, वो एक काम का पार्ट होता है, क्योंकि पीसीबी के भी अपने अपने क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग क्वालिटीज पे अलग अलग पीसीबी काम करती हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर पीसीबी बिल्कुल परफेक्ट हो, और उसको कुछ पीसीबी बहुत लो टेम्परेचर पे पापड़ जैसी फूल जाती हैं, तो वो भी आपको समझना होता है। अब देखिए थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रंगा बाहर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि अंदर का बॉल मेल्ट हो रहा है। अब अंदर हम डालने शुरू करेंगे इस तरह से, और आईसी को उठाने की कोशिश करेंगे। मैं इसी इंतजार में था, पेस्टेड में यही सबसे, ये देखिए कैपेसिटर हिल गया, तो हम उसको वापस लगाएंगे। मतलब कैपेसिटर हिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश यही करना है कि रजिस्टर ना हिले। अब हमने आईसी को उठा दिया है, और हमारे पीसीबी का एक भी पैड ओपन नहीं है, और आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक पेस्टेड है वो उसकी जो इंटेंसिटी है बहुत ही ज्यादा है। एक हार्ड ब्लैक पेस्ट होता है ओप्पो के मोबाइलों में, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोई स्क्रैचिंग या किसी तरह का यहाँ पर अभी हमें कोई भी देखने को नहीं मिला है, और जो हमारा कंपोनेंट भी कोई निकला नहीं है। अब हम अपनी पावर आईसी को, बाद में हम इसको क्लीन करेंगे, पहले हम अपने बोर्ड को क्लीन करेंगे। तो बोर्ड को क्लीन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसके पहले बॉल्स को क्लीन करें, तो उसके लिए रोजिन सबसे बेस्ट हथियार है। आपको रोजिन की कुछ बूंदें अपनी पीसीबी पर गिरानी पड़ेंगी, आपके आईसी के ऊपर, फिर हम उसको आयरन से क्लीन करेंगे। देखिए इस तरीके से, अब हल्का हल्का आपको बस, जैसे कि मैंने बोला बॉल्स उठाने हैं, तो आयरन से कभी भी बॉल क्लीन करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये फिर पैड निकल जाते हैं, तो आपको बड़ा अफसोस होगा उसके बाद कि आपने ऐसी गलती क्यों की। देखिए अभी मैंने कोई भी इसमें अलग से एक्स्ट्रा पीपीडी नहीं मिलाया है, अधिकतर लोग इसमें 138 का यूज करते हैं, पर रोजिंग अगर मैं यूज करूं तो 138 का यूज करने की मुझे जरूरत नहीं है, पर आप 138 का यूज भी कर सकते हैं। पर अभी फिलहाल जैसे कि मैंने, मुझे लगा कि मुझे 138 यूज करना की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कोई पैड निकलता तो कोशिश यही होती कि वो एक एनसी पैड हो, क्योंकि एनसी पैड होते हैं वो, सॉरी लूज कनेक्शन के होते हैं, तो उनका निकालना स्वाभाविक होता है। अब हम थोड़ा सा डी फोल्डर वायर चलाएंगे इसके ऊपर, हल्का हल्का सा,
बहुत हल्का हल्का हमें चलाना है, हमें पैड क्लीन करने की जरूरत नहीं, उसके लिए हम स्क्रैपर ही यूज करेंगे। तो फिर अरे चोट लग गई है। हाँ चुप रहना, ऑडियो चल रहा है। आईसी को हमने क्लीन कर लिया है, अब हम इस पर ब्रश चलाएंगे। अच्छा तो देखिए, थोड़ा सा जो स्टील का ब्रश होता है उसको यूज करने का फायदा यही होता है, पेस्टेड आईसीओ में बहुत हद तक वो स्क्रैपर का काम कर देता है। तो आईसी हमारी बिल्कुल क्लीन है। अब जो साइड में जो ग्लू है उसको क्लीन करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो हम जैसे हमने साइड ग्लू कट किया था उसी हीट और से हम इस ग्लू को भी कट करेंगे। ग्लू को अगर हम इग्नोर करेंगे तो वो हमारी आईसी लगने में दिक्कत कर सकता है, इसलिए कोशिश करें कि पूरा क्लीन करें। और अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते जाएंगे और हर चीज़ को ध्यान देंगे तो ही आप परफेक्ट हो पाएंगे। अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप हर चीज़ से डरेंगे फिर, और आपको परफेक्शन बहुत देर में मिलेगी। ठीक है, तो अगर थिनर हो और अगर आपको कुछ चकचक की आवाज आए तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, हमारी आईसी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब हम अपने बोर्ड को साइड रख देंगे और अब हम आईसी को क्लीन करेंगे। अपने पीसीबी होल्डर में लगा के ठीक तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से आईसी को यहाँ पर क्लीन यहाँ पर लगाया हुआ है, और ये काफी अच्छा तरीका है जिससे हम आईसी को क्लीन कर सकते हैं। तो आईसी को क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम आईसी के ऊपर पीपीडी लगाएंगे 38 का, हम इस पर रोजिंग भी लगा सकते हैं।
पर हमें बॉल का जो टेम्परेचर उसको चेंज करना है, इससे हमारी जो बॉल है उसके जो सरफेस पैड हैं वो अलग ही चमक जाएंगे, जिससे वो रिवॉल्व करने में आसानी जाएगी। थोड़ा सा डी सोल्डर वायर चलाएंगे, रगड़ना नहीं है डी सोल्डर वायर, अब हम स्क्रैपर से ब्लू कट हीट पर हमारे पेस्ट को बाहर करेंगे। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी बहुत जल्दी में होगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये प्रैक्टिस पे होती है, बट हमें पहली बार इसको करने के लिए एक प्रोफेशनल टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत कस के आईसी को नहीं भागना, बस आईसी का थोड़ा सा ही काम बचा है। तो मैं आईसी को जबरदस्ती अभी उसमें होल्डर में रखना नहीं चाह रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि आईसी मेरी क्लीन हो चुकी है। अब आईसी को ठंडा करेंगे और आईसी को रिवॉल्व करेंगे और बस लगा। अब आईसी को रिबॉल करेंगे, पेस्ट में ऑलरेडी पहले से बना कर रखा हूँ इसका। अगर आपको पेस्ट बनाना नहीं आता तो आप इसे मेरे पहले का वीडियो देखिए पावर आईसी का, जिसमें मैंने आपको पेस्ट बनाना सिखाया है। पावर आईसी रिवॉल्व के बाद आपको एकदम से उसको उठाना नहीं है, बॉल छोटे बड़े बन सकते हैं, ये बात का ध्यान होना आपको होना चाहिए।
इसके लिए आपको जो ईगल ब्लेड है वो यूज करना है। दूसरी बार पेस्ट आप इस तभी लगाएं जब आपको लगे कि आपके बॉल थोड़े बड़े छोटे बन गए, अदरवाइज आप दूसरी बार पेस्ट मत यूज करें। आईसी को बाहर निकालेंगे और देखेंगे क्या आईसी के सारे बॉल सही हैं या नहीं। रिबॉलिंग होने के बाद हम आईसी को क्लीन करेंगे। ऐसे हाथ में लेके और क्लीन करने के बाद हम आईसी पर पेस्ट डाल के उसको फिर से हीट देंगे। पेस्ट में कोई अलग से कचरा या सोल्डर नहीं होना चाहिए। और आपके बॉल्स मोती मोती जैसे चमकने चाहिए। अब हम अपनी आईसी को लगाने के लिए तैयार हैं। आईसी लगाते समय हमें नोज कट पॉइंट का बहुत ध्यान देना है। अब पेस्ट लगाते समय भी बहुत ध्यान देना है। जैसे कि मैंने बोला कि पेस्ट कम मात्रा में पहले लगाएं, सिर्फ आईसी को बिठाने के लिए। अब आईसी को बिठाएंगे।
शुरुआत में एयर बिल्कुल जीरो पे रखेंगे, क्योंकि आईसी उड़ सकती है या हिल सकती है। कम से कम 10-20 राउंड को पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद साइड से तेज देंगे। आप प्रॉपर तरीके से हिट देंगे, फिर 10-20 राउंड देंगे और वेट करेंगे। अगर वो मूवमेंट करती है तो होने देंगे, और अगर वो मूवमेंट नहीं करती है, देखिए जैसे मूवमेंट हो गया इसका, अब हम इसको टच करेंगे। तो टच में आपके लिए कुछ समझाने के लिए करूंगा। देखिए पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, चौथा टच। आई होप कि आप टच समझ गए कि हम किस तरीके से टच को करते हैं। अब हम वेट करेंगे। सडनली हमें इस पर थिनर नहीं लगाना है। पीसीबी को ठंडा रखने के लिए सबसे अच्छा है कि आप उसको उसके ऊपर फैन चला दें। तो ये पोर्टेबल फैन आपके पास होने चाहिए। ये 300 से 400 रुपए के अंदर ये मिल जाता है। अब हम हमारे काम का रिजल्ट देखेंगे। तो अब हम साइड कैमरा को फिर से चालू कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हमारा फोन लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम आप डिस्प्ले लगाएंगे। डिस्प्ले लगाने के बाद B2B केबल, और अब हम अपना बैटरी लगाएंगे। एक बार हम सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारा डिस्प्ले सही, देखिए हमारा डिस्प्ले सही से लगा नहीं है। तो चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं फोन सेम कंडीशन में है, और मतलब हमारा फोन, हमने बैटरी लगा लिया, हमने B2B लगा लिया। अब हम अपना चार्जर भी लगा लेते हैं, और अब हम फोन की कंडीशन देखते हैं। तो हमारा फोन सेम कंडीशन में है जैसे कि पहले था। हमारे चार्जिंग मोड पे ये देखिए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बेसिकली काम कैसे किया जाता है, किस तरीके से, और अगर आपसे अभी भी काम वीडियो देखने के बाद भी नहीं हो, तो आपको
जरूरत है एक टीचर की। आप किसी भी इंस्टीट्यूट जाएं, कम फीस में ज्यादा फीस में, बट आप एक बार एशिया टेलीकॉम जो जरूर कॉल लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपका भविष्य हम बदल दें और हम आपको उस लेवल पे लेके जाएं जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं गारंटी के साथ। ऐसा नहीं कि आप आए आईसी रिबॉल की नहीं हुई तो हमने कह दिया कि आप प्रैक्टिस करना हो जाएगी, ऐसा नहीं कि आप आए और हमने आपको छोड़ दिया, या आप आईसी रिबॉल कर रहे हैं आपसे 4 दिन में तो आईसी रिबॉल ही नहीं हुई। हम आपको देंगे गारंटी पढ़ाई की। और अब नेक्स्ट वीडियो में इसी फोन का मैं सीपीयू का डालूंगा, मैं एमएमसी का डालूंगा और इसके अलावा मैं वीडियो डालता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके जैसे और भी जो भाई हैं जो अभी भटक रहे हैं एक अच्छे वीडियो की तलाश में, कि हो सकता है उनको भी फ्री में कोई कंटेंट मिल जाए, तो ये वीडियो को उनको शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।